नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, समय बलवान तो गधा भी पहलवान। और यही हाल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का था। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो बहुत ही बलवान है, बहुत ही बुद्धिमान है और पाकिस्तान तो दुनिया को चला सकता है। खासतौर पे तालिबान मुद्दे पे पाकिस्तान चीन बढ़ चढ़ के बोल रहा था, पाकिस्तान तो अलग ही मोर्चा खोल लिया था। उसे लग रहा था कि बिना हमारे अफगानिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलेगा, हम ही हैं सर्वोपरि। अब दोस्तों उसी तालिबान वाले ने भारत का जमकर गुनगाया है, भारत को महान देश बोला है, भारत को अपने भाई से बढ़कर बताया है और ओपनली पाकिस्तान चाइना को जमकर दोस्तों गालियां दिया है, धज्जे उड़ा दिया है, बता दिया है कि ये दोनों देश पूरी तरह से कायर है, ये दोनों मित्र के नाम पे बहुत बड़ा गद्दार है, कब पीठ में छुरा फोंक दे पता नहीं। दोस्तों ओपनली अफगानिस्तान का वाले खासतौर पर तालिबान वाले ने कहा कि हमें आज आँख खुल चुका है, देर आए लेकिन हमारा अब आँख खुल चुका है, हम इन दोनों देश को महाघटिया देश का उपाधि दे रहे हैं। अब बोले आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो तालिबान वाले ओपनली पाकिस्तान को इतना बड़ा बात कर रहा है, चीन को बोल रहा है, आखिरकार तालिबान में क्या परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एक खबर बताऊंगा, लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए आप जानते हैं पिछले कुछ समय से यानी कि लगभग एक साल से पाकिस्तान चीन का एक चाल था, अफगानिस्तान मुद्दा पे जो भी मीटिंग हो उसमें भारत को दूर रखो। और दोस्तों यही कारण है कि रसिया भी भारत को कई बार अफगानिस्तान मुद्दे पे, तालिबान मुद्दे पे चर्चा हुआ है तो भारत को दूर किया है। पता है पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान चीन का कहना है कि भारत इस क्षेत्र का कोई महाशक्ति नहीं है और भारत का कोई भी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलता है और भारत को यहाँ पर बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। पाकिस्तान खासतौर पर अफगानिस्तान का पड़ोसी है, चीन अफगानिस्तान का पड़ोसी है, इसीलिए हमें ही बोलने का है भारत को दूर रखो। और दोस्तों भारत को कई जगह पाकिस्तान और चीन ने खास रूप से ब्लॉक करवा दिया, खास रूप से रूस के साथ ट्रॉय का मीटिंग हुआ, रूस ने सबको बुलाया, अमेरिका को बुलाया, पाकिस्तान को बुलाया, चीन को बुलाया, लेकिन भारत को भूल गया, पता क्या है, चीन के दबाव में आके। अब दोस्तों यहाँ पे जब पूरी दुनिया एक से बढ़कर एक मीटिंग कर रहा था, अफगानिस्तान में क्या हो रहा था? नतीजा जीरो। अब दोस्तों भारत ने यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया और जानते हैं कल क्या था दोस्तों, कल छठ पर्व था, ठीक है, और 10 नवंबर को नई दिल्ली में एक भव्य मीटिंग हुआ, खासतौर पे 8 देशों के एनएसए, दोस्तों भारत के एनएसए, रूस के एनएसए, ईरान के एनएसए सहित 5 और देश, यानी कि टोटल 8 देशों का एनएसए ने एक मीटिंग किया। और बड़ी बात यह है इस मीटिंग को लेकर जो अफगानिस्तान ने बयान दिया है ना, कह सकते कि अरे भाई ये तालिबान वाले कभी कभी इतना अच्छा बयान कैसे देता है। दोस्तों तालिबान के इस बयान से एकदम से पाकिस्तानी टीवी चैनल में हड़कंप सा मच गया है और चीन में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि ये तो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमने तालिबान के लिए क्या क्या नहीं किया, और तालिबान तो ओपनली भारत का गुण गा दिया है। दोस्तों आखिरकार तालिबान ने ऐसा किया क्यों है और कौन सा बयान दिया है, अब चलिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए हमारा समस्या अफगानिस्तानी जनता नहीं है, वहाँ की जनता आज भी भारत से प्यार करता है, कम से कम 80-90% जनता है ना वो भारत को अपना सच्चा मित्र बोलता है, ठीक है, भारत पे पूरा भरोसा करता है। समस्या कट्टरवाद है, यानी कि जो तालिबानी है ना वो कट्टरवादी है दोस्तों, और पाकिस्तान भी जानते हैं आतंकी उग्र है, इसीलिए तालिबान पाकिस्तान का अच्छा गठजोड़ है। तो हमें तो पहले पाकिस्तान तालिबान को दूर करने का एक प्लान बनना चाहिए था और हम लोगों ने वही काम किया। अब दोस्तों इस रास्ते से एनएसए अजीत डोवाल ने हमेशा के लिए पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरार पैदा करवा दिया है। दरअसल आप जानते हैं वर्तमान में तालिबान वाले भारत को कई सारा ऑफर दे चुका है, ऑफर यह है कि आप हमारे यहाँ फिर से आइए, एमबीसी फिर से शुरू कीजिए, इतना ही नहीं एयरपोर्ट को खोलिए, हमारा वायु विमान आपके यहाँ जाएगा, हमारा हवाई जहाज आपके यहाँ से यहाँ पे लैंड करेगा। दोस्तों तालिबान तरह तरह का ऑफर दे रहा है, बोल रहा है कि आप फिर से आइए, यहाँ पे सड़कें बनाइए, स्कूल बनाइए, डैम बनाइए, हम आपके लिए तमाम वो सुविधा देंगे, आप तो मेरा भाई जैसा है। दोस्तों तालिबान ये बात ऑलरेडी कई बार बोल चुका है, लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों यहाँ पे समस्या यह है कि भारत जानता है हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन ये तालिबानी पाकिस्तानी का बात ही मानेगा, फायदा क्या है। दोस्तों इसीलिए भारत ने सोचा कि पहले तालिबान पाकिस्तान को दूर करो। और आप जानते हैं हाल ही में तालिबान वाले लोगों ने बोला कि हमारे देश में अब बहुत जल्द फूड क्राइसिस होने वाला है, यानी कि लोगों में भुखमरी अब आने वाला है, यहाँ पे अनाज ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे अनाज का कमी होगा और लोगों में
अफरा तफरी मचेगा, इसीलिए हमें कोई बचा ले। और दोस्तों तालिबान वाले ने पहले कहा था भारत हमें बचाएगा, अब दोस्तों भारत ने इसी फूड क्राइसिस पे एक बहुत बड़ा गेम चला है। अब दोस्तों इसी गेम में पाकिस्तान चीन चारों खाने चित हो गया है। देखिए भारत जाओ 8 देशों का NSA का मीटिंग किया, उससे पहले भारत ने एक चाल चला, चाल यह था कि क्यों ना हम पाकिस्तान को भी यहाँ पे आने का मौका दे दिल्ली में, और चीन को भी आने का मौका दे। दोस्तों भारत जानता था ना तो पाकिस्तान आएगा ना ही चीन आएगा, लेकिन पाकिस्तान चीन का जो भी पोल है वो खुल जाएगा। अब जानते हैं पाकिस्तान बोलता है कि अफगानिस्तानियों के लिए हम कुछ भी कर देंगे, तालिबान तो मेरा भाई है। अब दोस्तों भारत हमेशा से अफगानिस्तान को फूड भेजता, अनाज भेजता है, ठीक है। अब क्या हुआ है, पाकिस्तान वालों ने भारत से तमाम व्यापार रद्द कर ही दिया है। अब हम लोग ओपनली अफगानिस्तान को भी कोई भी फूड यानी कि सामान, खाने पीने सामान नहीं भेज सकते हैं। आप बोलेंगे भाई क्यों नहीं भेज सकते, पाकिस्तान क्यों रोक रहा है? देखिए हमारे और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान का बॉर्डर आता है, ठीक है, और पाकिस्तान बोल रहा है कि हम भारत का कोई भी गाड़ियाँ यहाँ से पार नहीं होने देंगे। दोस्तों आप बोलेंगे तो पहले क्या था, देखिए जब तक वहाँ पे अफगानिस्तानी सरकार रहा यानी कि अशरफ घनी रहा, यानी कि पिछले 2 महीने पहले, तो दोस्तों हम लोग पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान में सामान भेजते थे, ठीक है। दोस्तों पाकिस्तान हमसे सामान नहीं ले रहा है, पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान हमसे व्यापार ख़त्म किया, लेकिन हम लोग फिर भी पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक जाते थे, क्योंकि यह एक एग्रीमेंट था, चलो भाई अफगानिस्तान के लिए हम रास्ता देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यह रास्ता पिछले कुछ दिनों से बंद कर दिया है कि अब हम ये भी रास्ता नहीं देंगे। दोस्तों भारत ने इस मीटिंग में साफ तौर पर एक ही मुद्दा किया कि हम लोग कैसे अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस यानी कि लोगों को मरने से बचा सकते हैं, भुखमरी आने से बचा सकते हैं। और दोस्तों भारत ने इस मीटिंग में ओपनली कहा कि हम चाहते हैं कि हमें कोई रास्ता दे। अब इसलिए दोस्तों आप जानते हैं तालिबान वाले समझ चुका है कि भारत तो हमें मदद करना चाह रहा है, हमारे लोगों को बचाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान बाधा बन रहा है, चाइना बाधा बन रहा है। आप बोलेंगे तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है? जी दोस्तों बिल्कुल नहीं है, ऑलरेडी पाकिस्तान ने एयर, दोस्तों आप जानते हैं अगर हम लोग अफगानिस्तान जाएंगे ना तभी हम लोग पाकिस्तान का एयर स्पेस होता है ना दोस्तों, एयर रूट हम लोग जो स्पेस होता है उनका अंतरिक्ष का रास्ता, वो भी हम लोग यूज करेंगे। पाकिस्तान ने इसे भी बैन किया हुआ है, और हम लोगों का अफगानिस्तान से कोई भी समुद्री इलाका नहीं मिलता है, कोई भी समुद्री रास्ता नहीं मिलता है। तो इसीलिए अब यह संदेश जा चुका है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ भुखमरी फैलाना चाह रहा है। और दोस्तों तालिबान वालों ने इसीलिए पाकिस्तान और चीन को जमकर घेरा है। तालिबान ने कहा कि भारत ने जो मीटिंग किया है NSA वाला वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भारत से बहुत उम्मीद है, भारत जरूर आदमी कल कोई ना कोई रास्ता खोज लेगा और हमारे लोगों को बचा लेगा, और कुछ देश जो हमें दोस्त बना के धोखा दे रहे हैं उसे आज हम पहचान गए हैं। आखिरकार हमारे यहाँ इतना बड़ा संकट आने वाला है, और इस समय भी ये पाकिस्तान चीन राजनीति कर रहा है। पाकिस्तान चीन तो बोल रहा था कि हम बहुत बड़ा मित्र हैं, तो आखिरकार भारत जब हमारे ऊपर अच्छा कदम उठा रहा है, सकारात्मक एक कदम है, तो यहाँ पे पाकिस्तान चीन पीछे क्यों हटा और रास्ता देने से मना क्यों हो रहा है? दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान का पूरा पोल खुल गया है।